कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकलन x के सापेक्ष क्या समाकलन कीजिए। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का हम यह मान लेंगे, माना कि क्या x बराबरी से क्या मान लिया tan थीटा। x बराबरी से हमने tan थीटा मान लिया। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 1 माइनस क्या टेन स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब I इक्वल टू हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। एक्स की जो वैल्यू मानी थी उसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा डी एक्स। डी एक्स को हमने क्या सेक स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा आ गया था। आई इक्वल टू कॉस इनवर्स जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया था कॉस 2 थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो आई इक्वल टू क्या 2 थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। इसको क्या लिखेंगे I इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन क्या थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। दो पदों का क्या है इंटीग्रेशन है दो फंक्शन का, यदि ये पहला है और ये दूसरा है तो क्या लिखते हैं हम U इंटीग्रेशन V dx माइनस इंटीग्रेशन क्या डी बाय डी एक्स पहला फलन, इंटीग्रेशन वी डी एक्स मतलब दूसरा फलन और फिर सबका इंटीग्रेशन ये लिखते। तो यहाँ पर भी यही होगा आई इक्वल टू 2 जो नियम है उसको देखिए, इलेट से हम चलते तो एलजेब्रिक पहले होगा सेक ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो थीटा में कोई परिवर्तन नहीं, इंटीग्रेशन वी मीन्स क्या हो गया सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन किसका डी बाय डी थीटा इंटू थीटा, इंटीग्रेशन किसका सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू 2 थीटा सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन क्या 1 इंटू टेन थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू 2 क्या होगा थीटा इंटू टेन थीटा माइनस क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग सेक थीटा। समझे तो हम जानते x इक्वल टू है क्या टेन थीटा और थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स x और सेक स्क्वेयर थीटा है 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और इसलिए अगर आपने क्या लिखना का प्रयास किया सेक थीटा लिखने का प्रयास किया तो इसको आप सीधे सीधे कहाँ ले जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस क्या लिखेंगे इसको एक्स स्क्वेयर। तो कहने का मतलब है यहाँ सारी वैल्यू को आप रख देंगे आई इक्वल टू 2 थीटा का मतलब टेन इनवर्स एक्स टेन थीटा का मतलब एक्स तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू
आगे पीछे लिखा जा सकता है टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग सेक थीटा मीन्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर टू का इसमें प्लस सी टू का इसमें अब मल्टीपल कर दो तो ये क्या होगा आई इक्वल टू टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस टू लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी यहाँ पर ये क्या है टू और ये है माइनस साइन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।